अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुश आमदीद। आज की मेरी वीडियो है सिट्रोसोडा साशे के वाले से कि सिट्रोसोडा साशे आप किन बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका सही तरीका इस्तेमाल क्या होना चाहिए। नाजरीन, सिट्रोसोडा जो साशे है आपको यूरिनरी जो मसाइल होती हैं यानी कि पेशाब में जलन का एहसास होना या पेशाब का रुकावट के साथ ना, बाज़ का ऐसे मरीज भी होते हैं जिनके गुर्दे के अंदर पथरियाँ बन जाती हैं, मसाने के अंदर पथरियाँ बन जाती हैं या अंदर शदीद किस्म की खुश्की हो जाती है। इसके अलावा पेशाब के साथ बाज़ का जो है वो पेशाब वाली नाली से खून भी निकलना शुरू हो जाता है या शदीद किस्म की जलन का एहसास होता है, तो उस मसले में आप सिट्रोसोडा साशे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए इसके अलावा जो गर्मियों में मसाइल होते हैं, खासकर खवातीन के अंदर, जो बूढ़े लोग या खवातीन होती हैं या कोई प्रेग्नेंट खवातीन होती है उनके अंदर हाथों पांव में शदीद किस्म की जलन का एहसास होता है, तो वो भी सिट्रोसोडा साशे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिसको हम बोलते हैं हार्ट बर्न यानी कि दिल की जलन हो रही है, तेजाबियत है, गैस है, बदहजमी है या पेट फूलना शुरू हो जाता है, तो आप उन बीमारियों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिट्रोसोडा साशे एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो फार्मूला है जो आपके मैदे की गैस, तेजाबियत, बदहजमी, जलन और पेट दर्द को काफ़ी हद तक बेहतर करता है। जो लोग दवाइयाँ या मेडिसिन वगैरह नहीं खाना चाहते उनको चाहिए कि सिट्रोसोडा साशे का इस्तेमाल करें, अपने गुर्दों को, अपने मैदे को, अपने मसाने को सेहतमंद और तवाना बनाए। अब हम बात करते हैं इसका सही तरीका इस्तेमाल क्या होना चाहिए। अगर तो कोई बड़ी उम्र का फ़र्द है उसको चाहिए कि 200 ml वाटर ले यानी कि आधा गिलास पानी बड़ा हो, उसके अंदर एक साशे मिला के दिन में 3 दफ़ा खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल किया जाए। जो छोटे बच्चे हैं 12 साल तक की जो उम्र है वो एक साशे सुबह शाम इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे सबसे पहले। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।